पाहतोय ती या साईडमुळेच आहे आणि संपूर्ण जगभरामध्ये आपली प्रसिद्धी, आपली गोलंदाजी, आपली फलंदाजी ते आपल्या कॅमेराच्या लेन्समधून पोहोचवत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तर आपण नक्कीच या चॅनलला सबस्क्राईब करा अशी मी विनंती करतोय आणि आमचे गुणलेखक उमेश साळुंखे यांचेसुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. अगदी इत्यंभूत माहिती आमच्यापर्यंत ते पोहोचवत आहेत, त्याचप्रमाणे मध्ये मध्ये प्रॉन्टिंग करून आम्हाला सहकार्य करतायत आणि सलग 2 ते 3 दिवस ज्यांचा आवाज आपण ऐकलात ते जयेश भोसले यांचेसुद्धा हार्दिक स्वागत आणि आभार. आमचे DJ मास्टर प्रणय यांचेसुद्धा आभार व्यक्त करतोय आणि वळतोय या मैदानाकडे जिथे चालू असलेल्या सामन्याचं धावतं समालोचन मी आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, रोहा ग्रामीण एसोसिएशन ने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. निशी करने का राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हाँ, पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसे कवर किया ऊपर से, बहुत ही शानदार तरीके से खेला है. गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, वन बाउंस चौका. इसमें तो फिर से एक बार एक अनोखा अंदाज यहां पे नजर आया. स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी मगर निशी ने परख लिया था, पहचान लिया था और इसी वजह से वाइड यॉर्कर करते हुए तेज तर्रार गेंद के ऊपर वहां पे उन्हें चकमा दिया है. अच्छी वापसी, ये बैटल बहुत ही मजेदार होगा. जी हाँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्सेस बेस्ट. फिर से एक बार देखिए आगे बढ़कर डांसिंग डाउन द विकेट, हरकत में ही बरकत और इसी के साथ फिर से एक बार ये बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन. रन मिलेंगे पूरे के पूरे 6 रन. पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि ये चौका है. जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार कमाल की वापसी, जड़ में डाल दिया था परफेक्ट यॉर्कर और बल्लेबाज के पास उसका कोई जवाब नहीं था. बल्लेबाज ने उस गेंद को सम्मानपूर्वक खेला. अच्छी गेंदों का सम्मान करे, खराब गेंदों का समाचार ले, इसी एक बेसिक तत्व के साथ, बेसिक प्रिंसिपल के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए सलमान सिद्दीक 10 रन अब तक जोड़ चुके हैं अपने टीम के लिए. जी हाँ, इसमें तब अपने घुटने के बल गए थे, ऑप्शन के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, मगर यह अच्छा हुआ सलमान के लिए कि गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं हुई. ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद को अंपायर जी ने वाइड करार दिया है. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा. 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. निशी करने लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी मगर अब यहाँ पे सलमान के सामने थोड़े से विचलित होते हुए, मगर इसी बीच फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वापसी, अच्छी गेंद. इस ओवर में 3 गेंदें बिंदी की है. अगर तू शेर है तो मैं बब्बर शेर हूं, ये बताने की कोशिश एक जबरदस्त द्वंद्व इन दो खिलाड़ियों में नजर आता हुआ. जी हाँ, फिर से एक बार कुछ अलग और हटके करने के प्रयास में चूक गए, लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई. अंपायर जी ने उसे भी वाइड करार दिया है. इस ओवर में 2 वाइड गेंदें, 1 छक्का और 1 चौका हमें देखने को मिला. उसी के साथ साथ 3 गेंदें बिंदी भी देखने को मिली. कभी बल्लेबाज हावी होता हुआ तो कभी गेंदबाज उसके ऊपर सर चढ़ के बोलता हुआ. ये 4थी गेंद सलमान सिद्दीक जैसे बल्लेबाज को बिंदी की है और सलमान को बिंदी गेंदे करना इतना आसान नहीं होता, मगर निशी करनेकर की यहाँ पे काबिल तारीफ गेंदबाजी में कहूंगा. 1 छक्का 1 चौका, 2 गेंदें वाइड, इसके जरिए से पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन स्कोर कार्ड पर जरूर लग चुके हैं. कुछ हद तक यहां पे बल्लेबाज सलमान उनके ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंदबाज निशी ने फिर से एक बार अपनी कलात्मकता और हुनर, अपना कौशल्य दिखाया है. पहले ओवर की समाप्ति के बाद दूसरे ओवर के लिए बंटी पाटिल को यहाँ पे दावत दी है. 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद रहेगा. पहली 6 गेंदों में 10 रन जुटा लिए हैं सलमान ने. 10 रन बनाकर खेल रहे हैं जिसमें 1 चौका शामिल है, उसी के साथ 1 छक्का भी शामिल है और पहली मर्तबा मजर गौरी
स्ट्राइकिंग इन पर अंपायर से गार्ड लेते हुए मुआयना किया फील्डिंग का और अब यहां पे खेलने के तैयार। देखिए डीप स्क्वायर लेग में एक फील्डर तैनात है, उसी के साथ साथ एक लॉन्ग ऑन और वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक फील्डर है सीमा रेखा के नजदीक, जबकि सारे फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर। शॉर्ट मिड विकेट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट। बंटी के हाथों में गेंद है, बंटी भी रोहा तहसील के एक जाने माने खिलाड़ी, एक बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज माने जाते हैं। मगर पहली गेंद पर अपने ताकत के साथ आउट देखा ना था, ओवर बीच गेंद को खेल दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बंटी का स्वागत किया है स्वैग के साथ, यहाँ पे स्वागत। पहली गेंद पर छक्के से जब स्वागत होता है तो गेंदबाज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है। अब यहाँ पे अंतिम 5 गेंदें जो करनी है वो किस तरह से करनी है इसे बारे में अब यहाँ पे सोच में डूबे हुए। इसी बीच ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार ओवर पिच गेंद, अपने दाहिने पैर को स्ट्रेच करते हुए उस गेंद के ऊपर करारा शॉट खेला है, प्रहार किया है। लॉन्ग ऑफ में जो फील्डर थे उनके सर के ऊपर से दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। ये दूसरा छक्का मजर गौरी के बल्ले से आता हुआ, मजर गौरी ने पहले ही गेंद के साथ यहां पे हल्ला बोल दिया है, आक्रमण की धार को तेज कर दिया है। गेंदबाजों के ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश और यहां पे उनकी यहां पे स्ट्रेटजी अब तक तो कामयाब नजर आ रही है। जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने, इंग्लैंड टीम ने बास बॉल का इस्तेमाल किया था, जी हाँ, इसमें तब स्लोवर वन कुछ वेरिएशन करने की कोशिश की मगर ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर भटकते हुए और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइट करार दिया है। वाइट के रूप में एक अतिरिक्त रन, रनों की संख्या 25 रन, 25 रन ऑन स्कोर कार्ड। स्ट्राइकिंग इन पर मजर गौरी। मैंने हमेशा कहा, बहुत सालों से कहता आ रहा हूं कि जिसके हाथ में जीत की डोरी वो मजर गौरी। जी हाँ, इसमें दबा जड़ में डाल देने की कोशिश की थी, काफी हद तक सफल रहे, उस गेंद को खोद कर खेला था मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए थे और इसी वजह से मजर गौरी को यहाँ पे एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मजर पहुंचे 13 पर, सलमान सिद्दीक खेल रहे हैं 10 पर। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी है। ये ओवर बंटी का थोड़ा सा खर्चीला यहाँ पे नजर आता हुआ। इस बीच फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, गेंद और बल्ले की ये सही मायनों में मुलाकात इतनी अच्छी नहीं हुई थी, गेंद बल्ले के किनारे पे लगी थी और इसी वजह से धीरे धीरे वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में या काउ कॉर्नर भी कह सकते हैं वहां पे जब तक फील्ड होती तब तक एक रन लेने का यहाँ पे मौका मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ओहो, ऑप्शन के बाहर बार बार ललचाते हुए, क्योंकि अब वो जानते हैं कि उनके पाले में अगर गेंद मैं करूंगा तो शायद यहाँ पे फिर से एक बार बढ़िया और बड़ा स्ट्रोक हमें देखने को मिलेगा और इसी वजह से शरीर से दूर रखने की कोशिश, अवे फ्रॉम द बॉडी गेंदबाजी यहाँ पे करने का प्रयास गेंदबाज बंटी पाटिल द्वारा। मगर इस मरतबा इस ओवर में दो वाइड गेंदे कर चुके हैं। जी हाँ, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ताकत के साथ लपेटना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में मगर बहुत गेंद दूर थी और इसी वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। और अब यहाँ पे पहली मर्तबा हमें बिंदी गेंद देखने को मिली है। 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, अंतिम एक गेंद इस ओवर की आना बाकी है। बंटी पाटिल दौड़ पड़े हैं, जी हाँ, हवा में उछाल कर खेला है कवर के ऊपर से
लॉफ्ट करते हुए गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर फिर से एक बार आता हुआ ये बहुत ही खूबसूरत और नजाकत भरा ये स्ट्रोक 4 रन। बत्तीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 16 रन की औसत से यहां पर रन बन रहे हैं, मगर देखिए अंतिम गेंद के ऊपर जो चौका लगाया था मजहर गौरी ने किस तरह से लगाया था आपके स्क्रीन पर आपने देखा होगा, वाइड लेन लाइन की भी बाहर वो गेंद थी, मगर अपने आप को स्ट्रेच किया उन्होंने, अपना दाहिना पैर आगे डालते हुए उस गेंद तक पहुंचे और बहुत ही ताकत के साथ प्रहार किया था। हालांकि गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी थी और कवर के ऊपर से उस गेंद को उड़ाया था, डीप कवर खाली था, उसका फायदा मिला मजहर को। और देखते देखते यहाँ पे दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, 16 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, 32 रन स्कोर कार्ड पर, अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो रनों का अंबार यहाँ पे खड़ा हमें देखने को मिलेगा, रनों का पहाड़ खड़ा हो सकता है, जो सामने पहाड़ है उससे भी ज्यादा पहाड़ यहाँ पे खड़ा हो सकता है। मगर दोस्तों अब यहाँ पे रन बनाना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि 30 गज का दायरा यहाँ से हट चुका है, 30 गज का दायरा हटने के बाद डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, उसी के साथ लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक डीप कवर, यानी 5 खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक बाउंड्रीज को बचाने के लिए तैनात है। अमित चौंदे आए हैं नए गेंदबाज, अमित चौंदे का एक अपना अलग अंदाज है, बहुत ही अनोखा एक्शन है, यूनिक एक्शन देखने को मिलता है, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह का एक यूनिक एक्शन है, कुलदीप यादव का जिस तरह से एक अपना हट के अंदाज है, उसी तरह से देखिए उनकी किस तरह से दोनों हाथ ऊपर जाते हैं। ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद, शानदार गेंद थी, बिल्कुल समझ से परे। सलमान सिद्दीक हालांकि उस गेंद के ऊपर शॉट लगाना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी, गेंद को घुमाना जानते हैं, गेंद के ऊपर उंगलियां फेरना जानते हैं अमित चौंदे, कभी ऑफ कटर रहती है, कभी लेग स्पिन रहती है। जी हाँ, ये देखिए आखिरकार फंसाया, चकमा दिया है फ्लाइंग स्लीप में, बहुत ही बढ़िया और एक आसान सा कैच, और इसी के साथ ये पहला छटका लगता हुआ सलमान सिद्दीक के रूप में। सहला रहे हैं क्योंकि कभी कभी गेंद जो घूमते आती है उसे जज करते हुए इस तरह से चोट बहुत मरतबा लगते हुए हमने देखा है, सुराग भी थोड़े से चोटिल यहां पे नजर आ रहे हैं, दर्द से करहा रहे हैं, मगर अपनी टीम के लिए अभी भी वो खड़े हैं। और अमित चौंदे एक सफल गेंदबाज, सलमान सिद्दीक जैसे बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया है, एक शिकार की है। जी हाँ, इसमें दबा बैकफुट पर बहुत ही अच्छा ये पुल, मगर मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और इसी के कारण एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री धावीर महाराज एसोसिएशन यहाँ पे बल्लेबाजी करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि रोहा ग्रामीण एसोसिएशन यहाँ पे गेंदबाजी करती हुई, रोहा तहसील में बहुत सारे गांव है, तकरीबन 150 से 200 गांव है, वहां से एक एक खिलाड़ी को यहां पे चुना गया और उसके बाद खेलने का मौका मिला, इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं सभी खिलाड़ी और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, और उसके लिए ही यहाँ पे मेहनत और मशक्कत जारी है, जद्दोजहद जारी है। ये बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी किसके घर जाएगी, किसके गांव जाएगी, उस ट्रॉफी के ऊपर कौन सी टीम अपना नाम लिखवाएगी। जी हाँ, ये देखिए बैकफुट पर जाकर क्या कमाल का ये शॉट था, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, मगर डीप कवर में तैनात फील्डर, और इसी वजह से इस मर्तबा एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। इस ओवर में अमित
चौंधे ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है। 5 गेंदों में 1 सफलता अर्जित की और मात्र 3 रन खर्च किए हैं। शायद गेंद में कुछ खराबी आ चुकी है और इसी वजह से बॉल बॉयज से मैं गुजारिश करना चाहूँगा। जी हाँ, दूसरी गेंद मुहैया करवा चुके हैं हमारे धनंजय बोखले सर। अंपायर मुआयना करते हुए उस गेंद को कुछ टटोलते हुए दिखाई दे रहे हैं मैदान के अंदर। गेंद अब बदल चुके हैं, अमरे सर भी इसको चेक करते हुए। इसी बीच रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूंगा, 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पर। पहले 2 ओवर में 32 रन आने के बाद अमित चौंधे जब से गेंदबाजी के मार्ग पर आए हैं उन्होंने रनों को सुखा दिया है, विकेट भी अपने नाम किया है और बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे महरूम किया है। अमित चौंधे की अगली गेंद, जी हाँ, इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफील्ड पर जाकर फिर से एक बार मजहर गौरी ने तान दिया है लाजवाब ये स्ट्रोक, ताकत के साथ यहाँ पे प्रहार और फिर से एक बार गेंद फरार। गौरी को रोकेंगे, मजहर गौरी का विकेट यहां पे निकालेंगे, मगर मजहर यहां पे हार मानने को तैयार नहीं है। मात्र 7 गेंदों का सामना किया है और 24 रन बनाकर तकरीबन 400 के स्ट्राइक रेट से यहां पे बैटिंग स्ट्राइक रेट से यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तकरीबन 350 का यहां पे स्ट्राइक रेट, कमाल की बल्लेबाजी मजहर में। आज भी वही ताकत, वही आग और वही रनों की भूख हमें नजर आ रही है। 10 साल पहले भी मजर वैसे ही खेलते थे और आज भी वैसे ही खेल रहे हैं। इसमें दबा अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद, 4th ओवर के लिए निशी फिर से एक बार आए हैं अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से 4th ओवर लेके। और पहली गेंद वाइड यॉर्कर के ऊपर चकमा दिया बल्लेबाज को। कल हमने देखा था कि प्रसन्न ने किस तरह से गेंदबाजी की, उसका शायद मुआयना किया होगा, अध्ययन किया होगा और अभ्यास पूर्वक यहां पे गेंदबाजी करते हुए निशी करणेकर। जी हां, इस मरतबा उड़ाया है कवर के ऊपर से फिर से एक बार। इस मरतबा गेंद बिल्कुल नहीं रुकेगी क्योंकि वहां पे फील्डर जरूर तैनात थे मगर फील्डर से बहुत दूर थी ये गेंद। 1 बाउंस, फिर से एक बार ये चंचल गेंद सीमा रेखा के बाहर, मिलेंगे रन यहां पे 4। निशी के ऊपर भी हल्ला बोल यहां पे किया है शंतनु अस्टीवकर के बल्ले से आता हुआ ये चौका। निशी करने कर हालांकि पुरजोर कोशिश करते हुए, उनके पास वेरिएशन है, वर्सटाइल गेंदबाजी करने की क्षमता है, मगर इस बीच फिर से एक बार थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद थी, बैकफुट पर जाकर उसे कवर के ऊपर से उड़ाया था, मगर अब यहाँ पे 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि वहां पे फील्डर तैनात थे। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 46 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर मजबूत स्थिति में बल्लेबाजी करने वाली टीम रोहा ग्रामीण एसोसिएशन। जी हाँ, धावीर महाराज एसोसिएशन। जी हाँ, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था मगर उसे भी खोद कर खेला है मजहर गौरी ने लॉन्ग ऑन की दिशा में। ये गेंद फिर से एक बार यहाँ पे 1 रन मिलेगा। एक एक रन से भी संतोष करेंगे दोनों भी बल्लेबाज क्योंकि वो जानते हैं कि हर ओवर में कम से कम हमें 1 से 2 बड़े स्ट्रोक यहाँ पर अगर आते हैं तो रनों की संख्या का आकार बहुत ही अच्छा नजर आएगा। आहा, ये देखिए, खड़े खड़े ऊंचा खेला है मगर हवा में खेला है। ओहो, लाजवाब यहाँ पे एफर्ट देखने को मिला, अंतरराष्ट्रीय स्तर का एफर्ट था ये। पहली नजर में ऐसा लगा था कि वो 6 रन हुई है मगर एक ऊंची छलांग लगाई, उस गेंद को टैप किया और सीमा रेखा के अंदर ही उसे डाल दिया था। बंटी पाटिल, कमाल का ये एफर्ट, पूरे 100% मार्क उनको इस एफर्ट के लिए चले जाते हैं। और इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने मात्र 1 ही रन मुकम्मल कर लिया है। देखिए, अपने टीम के लिए 5 रन यहाँ पे सेव किए हैं। वेरी वेल डन बंटी, क्योंकि ये 5 रन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं।
इस मरतबा फिर से एक बार निशी ने बल्लेबाज मजहर के बल्ले को खामोश करने में कामयाबी हासिल की है। देखते देखते चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 12 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 60 रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे। अब अंतिम ओवर में कितने रन बनेंगे इसके ऊपर इस मैच का रिजल्ट निर्भर है, क्योंकि देखिए अब तक तो यहाँ पे दोनों भी गेंदबाजों ने कंट्रोल किया है, अमित चौंधे और निशी करनेकर ने। तीसरे ओवर में अमित ने मात्र 9 रन खर्च किए और निशी करनेकर ने चौथे ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए हैं, पहले दो ओवर में 32 रन बनने के बाद। अब यहाँ पे रनों को सुखा दिया है और इस मरतबा एक तेज तर्रार गेंद के ऊपर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, गैर जिम्मेदाराना ये स्ट्रोक था, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। धावीर मित्र मंडळाला विनंती आहे कि जेवणाची व्यवस्था इथे केलेली आहे आणि सर्व सदस्यांना विनंती असेल की आपण या स्टेजच्या मागे जाऊन जेवण घ्यायचं आहे। तो दोस्तों इसी बीच हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज आए हैं सूरज पवार मजर का साथ निभाने के लिए, 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज उनके पास जरूर मौजूद है, मगर अंतिम ओवर में क्या यहां पे रन आएंगे यही एक सवालिया निशान है। ओहो, इस मरतबा ऑफ स्टंप के फिर से एक बार बाहर ललचाने की कोशिश में, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर भटकते हुए जय देशमुख की यह गेंद वाइड करार दी है अंपायर जी ने। हालांकि पहली गेंद पर सफलता अर्जित की थी, एक सेट बल्लेबाज को चलता किया था, ऑप्शन के बाहर ही ललचाया था और अक्रॉस द लाइन ताकत के साथ खेलना चाहते थे बल्लेबाज मगर फंस गए थे। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए बार बार और लगातार उसी लाइन पर बल्लेबाजों को खेलने के लिए मजबूर करने की जो उनकी एक स्ट्रेटजी है वो अब यहाँ पे कारगर साबित नहीं हो रही है। फिर से एक बार एक रन यहां पे बोनस के रूप में मिलेगा, इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 50 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। इस मरतबा वापसी दिलाई है, बल्लेबाज पूरी तरीके से अचंभित हुए, उनकी आंखों के नीचे से गेंद निकल गई मगर उसे टच नहीं कर पाए। गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद अचानक गेंद को बाउंस मिला था, उसी के साथ उस गेंद को कट करने की क्षमता रखते हैं जय देशमुख। कट होने वाली गेंद बल्लेबाज को चकमा देती हुई, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं जय देशमुख की भी यहाँ पे तारीफ तो बनती है। दो गेंदें वाइड जरूर यहाँ पे डाली है मगर बड़े स्ट्रोक से बल्लेबाजों को वंचित रखना है, बड़े स्ट्रोक से महरूम करना है, इसी इंटेंशन के साथ यहाँ पे गेंदबाजी, और ये जरूरी होता है क्योंकि अंतिम ओवर जब आप कर रहे हो तो आपको विकेट से ज्यादा रन बचाना बेहद जरूरी। इस मरतबा ऊंचाई ज्यादा है, क्या लंबाई भी यहाँ पे ज्यादा होगी? जी नहीं, ओहो, फिर से एक बार यहाँ पे कमाल का कैच, शानदार यहाँ पे फील्डिंग का प्रदर्शन। पहली नजर में तो ऐसा लग रहा था कि ये सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी, ऊंचाई बहुत थी मगर आखिरकार उस गेंद के ऊपर अंतिम क्षणों तक नजरें जमाए रखी, उस गेंद को जज किया और सेकेंड अटेम्प्ट में उस
यहाँ पे बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बड़ी गलतियाँ की हैं, क्योंकि एक के बाद एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाते हुए नजर आए। कुछ बिंदी गेंदें यहाँ पे देखने को मिली, इस बीच एक बाउंसर के ऊपर चकमा देना चाहते थे, बहुत प्रयास किया उस गेंद तक पहुंचने का, मगर आखिरकार रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और अब ये देखा जाएगा क्या ये गेंद, जी अंपायर यही देखना है ना, वाइड गेंद है या ना। जी हाँ, तो तीसरे अंपायर से मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे आके क्या ये गेंद वाइड थी या फेयर डिलीवरी थी, इसके बारे में जायजा लिए, क्योंकि दिल में शक जरूर है और किसी भी तरह का डाउट यहाँ पे रखना नहीं है हमें। जो भी सही फैसला है वो थोड़ी देर के बाद ही आपके सामने आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करें। जी हाँ, वाइड करार दिया है अंपायर जी ने, वाइड करार दिया है, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा और रनों की संख्या हो चुकी है 51 रन। देखिए वाइड के रूप में एक रन बढ़ेगा, उसी के साथ यहाँ पे एक गेंद भी बढ़ेगी, रनआउट के रूप में एक विकेट भी मिलेगा, यानी एक गेंद के ऊपर क्या क्या यहाँ पे घटता हुआ। स्ट्राइक भी यहाँ पे चेंज किया है, गेंदें बची है तीन, अंतिम तीन गेंदें आना बाकी और मजर गौरी। जी हाँ, संकेत देशमुख और बाड़ा महाबले वहां पे मौजूद है। वाइड करार दिया है अंपायर जी ने, इसी वजह से तीन गेंदें अभी भी आना बाकी है और बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए यह अच्छा हुआ कि कम से कम स्ट्राइकिंग एंड पर मजर गौरी तो आए। फुल टॉस गेंद नहीं कर सकते, ताकत के साथ फिर से एक बार यहां पे प्रहार किया है, लाजवाब ये स्ट्रोक 6 रन के लिए और फिर से एक बार यो DRS, क्योंकि अब यहां पे देखना चाहते हैं कि ये फुल टॉस तो थी मगर क्या वेस्ट हाइट के ऊपर फुल टॉस थी, क्या ये आम फुल टॉस थी, क्या ये लोअर फुल टॉस थी, क्योंकि तीन तरह की फुल टॉस होती है। फिर से एक बार हमारे अंपायर जी टटोलते हुए, मुआयना करते हुए, चेक करते हुए कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था। फिर से एक बार मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जो भी सही फैसला होगा वो फैसला आपके सामने जरूर आएगा। अंपायर जी यहां पे मुआयना करते हुए बहुत ही गौर और फिक्र के साथ मुआयना किया जा रहा है, क्योंकि एक गेंद के ऊपर क्या हो सकता है ये इस प्रतियोगिता में आप सभी ने देखा है। तो ये फेयर डिलीवरी है। चलिए फिर से एक बार ये मैच शुरू होगा, छक्का जरूर यहां पे मिलेगा मगर फेयर डिलीवरी। देखिए ओहो कमाल का ये स्ट्रोक, क्योंकि बल्लेबाज मजर गौरी है, इसी वजह से ताकत के साथ जो उन्होंने पंच किया था सामने की तरफ, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से ये गेंद निकल गई थी सीमा रेखा पार। अभी भी दो गेंदें आना बाकी है, 57 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ये लीजिए फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया है और किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है, बिल्कुल मौका नहीं छोड़ा है, क्योंकि इस तरह से खेला है कि वहां पे कोई फील्डर ही मौजूद नहीं था, गैप को ढूंढा है, फ्लैट एंड फ्यूरियस फिर से एक बार ये सिक्सर। अंतिम गेंद के ऊपर चकमा दिया था शायद बाय के रूप में, जी अंपायर जी का इशारा आया है बाय के रूप में, एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 64 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर।
पांच ओवर का यह मुकाबला जीतने के लिए 65 रनों की जरूरत, हर ओवर में 13 रन की औसत से यहाँ आपको रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए और इस ट्रॉफी को अपने सर सजाने के लिए। 65 टू विन। धन्यवाद डीजे आणि धावीर मित्र मंडळाच्या सर्व सदस्यांना। इथे जेवणाची व्यवस्था सन्माननीय भोसले अर्थात भोसले कॅटरर्स यांच्या वतीने करण्यात आलेली आहे, तर मी सन्माननीय भोसले साहेबांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि आभार व्यक्त करतोय। सन्माननीय अप्पा मयेकर, सन्माननीय धनंजय पोकळे, सन्माननीय संजय संकेत देशमुख या सर्वांना विनंती आहे की आपण प्लीज जेवणाचा आस्वाद घ्यावा, रुचकर आणि स्वादिष्ट लजीज। तर मी विनंती करणार आहे धनंजय पोकळे यांना आणि त्याचप्रमाणे संकेत देशमुख यांना आणि सन्माननीय अप्पा मयेकर यांना विनंती करणार आहे की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये येऊन सन्माननीय भोसले कॅटरर्सचे मालक यांना सन्मानित करायचं आहे, एक सुंदर अशी ट्रॉफी आणि त्याचप्रमाणे पुष्पगुच्छ देऊन आपण त्यांचा सन्मान करणार आहोत, त्यांचे आभार व्यक्त करणार आहोत, त्यांना धन्यवाद देणार आहोत। या मंडळाचे सर्व मुख्य सदस्य यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय भोसले भोसले कॅटरर्सचे मालक यांना इथे सन्मानित केले जाते। धन्यवाद भोसले साहेब, आपले मनपूर्वक आभार, अशाच प्रकारचं सहकार्य आणि सहयोग राहील अशी अपेक्षा करतोय, अशाच प्रकारचं प्रेम ठेवा कारण रोहा तालुक्यातील एक मानाचा चषक आणि इथे बऱ्याच दिलदार आणि दानशूर व्यक्तींनी आम्हाला सरळ हस्ते मदत केलेली आहे। तर वळूया पुन्हा एकदा आपण जयेश भोसले यांच्याकडे। धन्यवाद यासिनजी मर्चंट सरांचा आवाज तुम्ही ऐकत होता या मॅचच्या दरम्यान। मैदानाच्या आतमध्ये फायनलची मॅच अर्थात एक्झिबिशन सामना, एका बाजूला रोहा ग्रामीण असोसिएशन विपक्ष श्री धावीर महाराज असोसिएशन या दोन संघांदरम्यानची लढत, टॉस जिंकला होता या मॅचचा अर्थात रोहा ग्रामीण असोसिएशन टीमने आणि प्रथम लक्ष टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय इथे घेण्यात आला होता। लक्ष आहे या मॅचच्या दरम्यान अर्थात 65 धावसंख्येचा पाठला करायचा आहे। नयन जोशी आणि त्याच्या साथीला प्रसाद बामुगडे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेली पाहायला मिळते। चला नेक्स्ट मॅच फर्स्ट सेमी फायनल उपांत्यपूर्व फेरी। मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल सामन्याला होईल सुरुवात, फायनलची मॅच एक्झिबिशन। पहिला बॉल इथे मिड ऑफला खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, शॉर्ट एक्सचा खबरला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आलाय, पहिल्या बॉल वरती इथे जीवदान मिळालंय। नयन जोशी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्यांना केला, इन साइड आउट ज्या पहिल्या बॉल वरती एकेरी धाव येत असताना आपण पाहतोय। रोहा ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन जिथे या 65 धावसंख्येचा पाठलाग करते, पहिल्या धाव बॉल वरती एक धाव आली आहे। प्रसाद बामुगडे स्ट्राईक इंड वरती पाहायला मिळतोय, मिस्टर क्लास म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं, मिस्टर कन्सिस्टन्स। पुढचा बॉल यावेळेला आडबा बाटणे ऑन साइडला डीप मिड विकेटला प्रोटेक्शन ठेवण्यात आलं, एक धाव निश्चितच मिळेल, तिथे हलगर्जीपणा दाखवला क्षेत्ररक्षकाने, एकेरी धाव येत असताना पाहायला मिळेल। नेक्स्ट मॅच असेल उपांत्यपूर्व फेरी सेमी फायनलची लढत, श्री गुरुदत्त नावे विपक्ष वैष्णवी कोलाड। एक टीम ग्रामीण फॉर्मॅट मधून पुढे येते तर एक संघ तालुका निहाय संघामधून पुढे येत असताना पाहायला मिळतोय। पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा सलमान सिद्दीकीचा, हा बॉल इथे हाफ ट्रॅकर होता, कट केला पॉइंटला, क्षेत्ररक्षक येतो वेगाने,
रन्स कंप्लीट करण्यात आली आहे. पहिल्या तीन बॉलवरती तीन सिंगल आल्यात. फायनलची मॅच एक्झिबिशन सामना प्रेक्षणीय लढतीतील अंतिम सामना आपण पाहतोय. चहू बाजूला तोबा गर्दी, प्रेक्षक वर्ग आपल्या असोसिएशनला इथे प्रोत्साहन देण्यासाठी उपस्थित झालेत आणि तदनंतर तालुकानिहायमधून आज संघ खेळतात. हा बॉल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न कमी गतीने टाकला होता यष्ट्यांच्या पाठीमागे. शॉर्ट फाईन लेग तैनात करण्यात आलाय पंचांच्या भूमिकेमध्ये. मैदानाच्या आतमध्ये सध्याच्या घडीला दोन ऑफिशियल्स जिथे मात्र पाहायला मिळतात. एका बाजूला अर्थात अशिजी साळुंके सर, विनोदजी धुमारे सर यांना आपण पाहतोय पंचांच्या भूमिकेमध्ये. एक चेंबूरचे पंच अशिजी साळुंके सरांना आपण पाहतोय. विनोदजी धुमारे सर अर्थात घणसोलीला बिलॉंग करतात त्यांनाही आपण पाहतोय. सलमान सिद्दीक पुढचा बॉल. या वेळेला फटका चांगला आहे. हाय अँड हँडसम, लॉंग अँड स्ट्रॉंग षटकार. उपांत्य फेरी आपण निश्चितच मैदानाच्या आतमध्ये नेक्स्ट मॅचच्या दरम्यान पाहणार आहात, परंतु काही हायलाइट आपण पाहतो. मैदानाच्या आतमध्ये षटकार आलाय, पाहत राहिला बॉल कडे. अप्पाजी मयेकर साहेब आपले हार्दिक स्वागत. यावेळेला देखील ऑन साइड ला खेळण्याचा प्रयत्न, फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक येईल त्याआधी चेंडूने ओलांडले सीमारेषा आणखीन एक दमदार वजनदार शानदार षटकार. वाटा पोआप सापडतात. 24 बॉल 49 आवश्यकता राहील. प्रयत्न तर पहिल्या तीन बॉल वरती केले नाही, परंतु तदनंतर जे काही प्रयत्न केले ना इथे यशाच्या वाटा सापडू लागल्यात. चांगल्या दर्जाची बॅटिंग करत असताना नयन जोशीला आपण पाहतोय. धावफलकावरती धावा सध्या दगडीला 16 आहे, 16 रन्स ऑन दी बोर्ड. नयन जोशी ज्या पद्धतीने अटॅकिंग इंटेंटने बॅटिंग करत असताना पाहायला मिळाला. 4 बॉल 14 वरती तो नॉट आउट खेळतोय. संघाची धावसंख्या 16. स्ट्राईक एंड वरती प्रसाद बामुकडे पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्क मधी शाकिब. पुढचा बॉल खोला टाकलाय, ओवर द बॉल हेड साईड स्क्रीनच्या अगदी समोर ठोकलाय. हा दर्जेदार क्लासिकल अंदाजामध्ये चौकार. संख्या 22 धाबा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. संख्याजी देशमुख साहेब यांच्या मालकीचा संघ अध्यक्षतेपदाखाली हा संघ खेळत असताना रोहा ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन आणि बैलगाडा शर्यतीचं हे गीत आलं. आदरणीय संख्याजी देशमुख साहेब यांच्या पिताश्रीची मला आठवण झाली. बैलगाडा शर्यतीवरती त्यांचंही तितकंच जास्तचं प्रेम आहे. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 22. चांगल्या दर्जाचा सुख पाहायला मिळाला. पुढ्यात आलेला बॉल स्ट्रेट बॅटने अगदी ओव्हर दी बॉलर हेड पाठवला. सफेद झोन इन क्रिकेट ज्याला आपण म्हणतो. करंट रनडेट 16.50 सरासरीने धावा येतात. आस्किंग रनडेट 11.73. हा बॉल कमी गतीने टाकला. इथे चेंज ऑफ पेस पाहायला मिळाला. 21 चेंडू आणि 43 ची आवश्यकता या मॅच मध्ये राहणार. 21 बॉल 43 धावा या सामन्यामध्ये अजूनही बनवाव्या लागतील. संघर्ष हा यशाचा एकमेव मार्ग आहे. जर तुमच्या आयुष्यामध्ये खूप संघर्ष करावा लागतो ना, तर स्वतःला नशीबवान समजा. कारण संघर्ष करण्यासाठी ज्याच्यामध्ये काबिलियत असते, ज्याच्यामध्ये क्षमता असते, त्यालाच देव संघर्ष करण्याची इथे मुभा देतो. आडव्या बॅटने ऑन साइडला आणखीन एक तडाखा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर षटकार.
जिथे शाकिब वरती हल्ले चढवले, सहा बॉल 14 वरती प्रसाद खेळतोय, संघाची धावसंख्या 28. पुढचा बॉल आणखीन एक ऑन साइड ला टॉप ऑफ दी बाउंस, मनगटाचा वापर चेंडूला केलाय सीमारेषेच्या बाहेर पाठवत असताना, जस्ट अ फ्लिक ऑफ द रिस्ट, षटकार. क्रिकेटसाठी 34 ची भागीदारी झाली आहे, 65 चा पाठलाग. पुढचा बॉल या वेळेला प्रेशर क्रिएट केलं गोलंदाजावरती, अवांतर चेंडू येत असताना पाहायला मिळतोय. पंच आमच्याकडे बळतात, एक वेगळ्या शैलीने इथे गोलंदाजाला दंडित करण्यात येत आहे. 19 बॉल, 30 ची आवश्यकता. पंचांचं एक कौतुक करायला हवं, 5 दिवस ज्यांना आपण तपत्या उन्हामध्ये उभं राहिलेलं पाहिलं आणि नवे नवे तर प्रत्येक डिसिजन अगदी योग्यरित्या ज्यांनी मात्र निपक्षपातीपणाने दिला त्यांना मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. यावेळेला देखील ऑन साइड ला आणखीन एक फिल्डर त्या ठिकाणावरती आहे, त्याने इथे जेल टिपलाय. प्रसाद बामुगडे 7 बॉल, 8 बॉल आणि 20 धावांची वादळी झंझावाती खेळी त्याची इथे येते संपुष्टात. खेळाडू क्रमांक पहिला बाद बाद झालाय. रिप्ले आपण पाहूया, ज्याचा फटक्याचा रिप्ले आपण पाहू शकतो, कारण प्रसाद हा रिप्ले आपण पहा. स्ट्राइक हँड वरती होता, पुढ्यात आला हाफ ट्रॅकर बॉल. आर्म्स पहा ना किती स्ट्रॉंग आहेत त्याचे, फोर आर्म्स अगदी ऑन साइड ला. ज्या वेळेला त्याने स्ट्रोक प्ले केला ना त्यावेळेस स्क्रीन वरती त्याच्या आर्म्स मधील जी काही फिंगर्स आहेत त्या मात्र पाहायला मिळाल्या होत्या. चांगल्या दर्जाचे स्ट्रोक त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळाल्यात. मनगट वळवत असताना त्याने लिलया खेळलेला हा स्ट्रोक, परंतु फटका फसला जिथे खेळाडू बाद होत असताना पाहायला मिळाला. पहिली सफलता इथे प्राप्त केली शाकिबने, धावफलकावरती धावा त्या सध्याकडे 35. 18 बॉल आणि 30 ची आवश्यकता. नवीन बॅटर सिद्धांत मोरे, हाफ ट्रॅकर ऑन साइड ला चपराक लगवण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक तोच क्षेत्र तेच, खेळाडू क्रमांक दुसरा बाद. मध्ये ज्या वेळेला उतरलाय ना अगदी त्याच वेळेला आज मी प्रणय साऊंडचं कौतुक करेन, कारण जी गीत लावली आहेत ना ती संपूर्ण बैलगाडा शर्यतींवरती लावली आहेत. या मागील कारण काय याचाही चर्चेचा विषय असेल. मैदानाच्या आतमध्ये नवीन बॅटर दाखवत असताना पाहायला मिळतो, 35-2 आहे, 35 रन्स ऑन दी बोर्ड. शाहिद गोलंदाजी मार्क वरती दाखल झालेला पाहायला मिळतोय. देव आपली कधीही परिस्थिती बदलत नाही, कारण त्याला आपली मनस्थिती पाहायची असते. इथे मनस्थिती किती चांगली आहे ना हे देखील पाहावं लागेल. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना पाहायला मिळतोय. कल्पेश मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. अल्पेश बापूजी पाटील साहेब ग्रामीण असोसिएशन साठी त्यांच्याकडून शुभेच्छा देखील आल्यात. अल्पेशजी पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून ग्रामीण असोसिएशन साठी खूप साऱ्या शुभेच्छा येत असताना पाहायला मिळाल्या. तर हा ग्रामीण असोसिएशन संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय, श्री धाबीर महाराज असोसिएशनच्या विपक्षात. खोलवा टप्प्याचा बॉल, लोअर फुल टोस ऑन साइड ला आपण आलोय आणि आपण आल्याची जाणीव त्याने करून दिली आहे. ठोकलाय किल्ला सर केलाय पहिल्याच बॉल वरती, काय षटकार पाहायला मिळाला. किल्ला प्रीमियर लीग ही थोड्याच दिवसात येते, हे गाव खूप मोठं आहे. मैदानाच्या आतमध्ये षटकार आलाय, 41-2.
हाफ ट्रॅकर ऑन साइडला मिस टायमिंग झालाय. जशास तसं प्रत्युत्तर दिलंय शाहिदने. खेळाडू क्रमांक तिसरा होईल इथे बाद 41 या धावसंख्येवर. पाटण मैदानाच्या आतमध्ये दाखवत असताना पाहायला मिळतोय या मॅच मध्ये. त्याच्या माध्यमातून धावा इम्पॉर्टंट असतील कारण 15 बॉल 24 ची आवश्यकता आता मात्र या सामन्यामध्ये राहिली आहे. 15 बॉल आणि विजयासाठी आवश्यकता असेल ती अर्थातच 24 धावसंख्येची. 2 विकेट आल्यात या मॅचच्या दरम्यान. कलाटणी मिळतीये की काय या सामन्याला हे देखील पाहावं लागेल. निशिक कर्णेकर अँड फ्रॉम रोट रोहा पुढचा बॉल. यावेळेला निशी मिस टायमिंग आहे. ही कॅच पकडली तर मॅच मध्ये येणार. गोलंदाज चेंडूच्या खाली आलाय. गोल्डन डक निशी कर्णेकर बाद. चार अजूनही 24 ची आवश्यकता. 14 बॉलचा खेळ शेष आहे. 14 चेंडू 24 धावा. मैदानाच्या आतमध्ये बंटी पाटील. मैदानाच्या आतमध्ये बंटी पाटीलला आपण पाहतोय. मलकणवाडी गावचा हा खेळाडू तर एका बाजूला धाटावचा खेळाडू सिद्धांत मोरे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज शाहिद डांगे सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल. आडव्या पाटने खेळण्याचा प्रयत्न. यष्टी रक्षकाचा भेद घेतला. या षटकामध्ये केवळ 6 आल्यात. 3 विकेट मिळवल्या शाहिदने. कमबॅक करणारे षटक. मॅचला कलाटणी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. अर्थात धावफलकावरती केवळ 6 आहेत. 3 खेळाडू बाद झालेत. 41-4 सद्य परिस्थिती मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. सिच्युएशन ही आहे की धावफलकावरती 41-4 आहेत. इक्वेशनचा विचार केला तर 13-24 ची आवश्यकता. पुढचा बॉल घेऊन शाहिद पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना आडव्या पाटणे खेळण्याचा प्रयत्न. चौथा या षटकामध्ये चौथा खेळाडू बाद केलाय. शाहिद डांगेने या मॅच मध्ये कलाटणी दिली आहे. खेळाडू क्रमांक 5 या संघाचा होतोय इथे बाद. नारायणजी मोरे साहेब यांना एका बाईकची की सापडली आहे. यदा कदाचित ही स्प्लेंडरची असावी. ज्या कोणाची असेल त्याने कृपया त्याच्या सोबत अजून एक की आहे त्यावरती काय लिहिलंय ओळख पटवा आणि ती गाडीची चावी आपण घेऊन जा. एक बाईकची की आम्हाला सापडली आहे. ज्या कोणाची असेल ते कृपया आपण ती समालोचन कक्षामधून कलेक्ट करा. 41-5 12 बॉल आणि 24 ची आवश्यकता या मॅच मध्ये राहणार. 12 चेंडू आणि 24 धावा. 4 विकेट आल्या या षटकामध्ये. केवळ 6 धावा आल्या. शंतनू आस्तिवकर गोलंदाजी मार्ग वरती येत असताना पाहायला मिळतोय. शंतनू आस्तिवकर
हा फटका चांगला आहे या वेळेला सिद्धांत मोरेच्या बॅट मधून दर्जेदार स्ट्रोक षटकार. क्लासिकल अंदाजामध्ये षटकार इथे टोकला 47-5 11 बॉल 18 ची गरज. आणखीन एक ऑन साइड ला पॅरलल फ्लॅट चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर एलईडी टीव्ही पेक्षा फ्लॅट होता हा षटकार. थँक्यू. 53-5 10 बॉल 12 ची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज. आणखीन एक ऑन साइड ला केला डीप मिड विकेट ला क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या मस्तकावरती दस्तक चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर फरार धाव मिळतील 4 ये दिल मांगे मोर रन्स मिळतील. रोह्याचा रॉयल व्यक्तिमत्व संकेत देशमुख आणि असंच कच्च्या गुरुचे चेले तेही नाही आहेत कारण कोणत्याही लंगड्या घोड्यावरती डाव ते कदापि लावत नाहीत. हा बॉल उजव्याच्या बाहेर गोलंदाजाला दंडित करण्यात येते. पहा ही वेगळी शैली आहे पंचांची अशी जी साळुंके साहेब MCA ला कार्यरत चांगल्या रीतीने ते कामकाज करत असताना पाहायला मिळतात. अनेक चांगल्या दर्जाची व्यक्तिमत्व आहेत नवी मुंबईमधील अनेक स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून आणि खुल्या गटातील अनेक स्पर्धा कव्हर करण्यात येतात नावाजलेले पंच. 58-5 पुढचा बॉल पूल यावेळेला बॉल होतोय गुल आणखी निकालाय हा षटकार. दुसरी मॅच अर्थात फायनलची मॅच आहे 3.4 चेंडूचा खेळ संपुष्टात आलाय केवळ एकाची आवश्यकता 64 बनल्यात 8 बॉल आणि एक हवी आहे 8 बॉल एकची आवश्यकता. बॅट तुटली आहे परंतु फटका चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर षटकार आलाय. बॅट तुटली आहे या खेळाडूची दुःख त्याला निश्चित होईल. बॅट तुटणं म्हणणं ना गर्लफ्रेंड बरोबरच ब्रेकअप जरी झालं ना त्याही पेक्षा मोठं दुःख असत की आपली बॅट ब्रेक होणं अर्थात सिद्धांत मोरेची ही बॅट इथे तुटली. पहा रिप्ले आपण पाहतोय फटका चांगला खेळला सामना इथे जिंकून दिला खेळाडूला ऑन स्क्रीन आपण पाहतोय त्याची तुटलेली बॅट निराशाजनक त्याच्यासाठी ही गोष्ट राहील कारण ज्या बॅटने आपल्याला ओळख दिली ज्या बॅटने आपल्याला नावारूपाला आणलं त्याची बॅट अर्थात सिद्धांत मोरेची बॅट इथे ब्रेक झालीय. 5 बॉल 28 धावांची खेळी केली आहे सिद्धांत मोरेसाठी टाळ्या होत्यात. आज अध्यक्ष खंबीर आहेत अध्यक्षांच्या माध्यमातून तुझ्यासाठी बॅट निश्चितच गिफ्ट असेल. पाच बॉल 28 धावांची खेळी केली बॅटच नाही तुला जे हवंय ना ते अध्यक्ष साहेब निश्चित तुला मिळवून देतील. आज एक स्वप्न भंगलं परंतु एक स्वप्न सत्यात आलं अर्थात प्रेक्षणीय लढत इथे जिंकली आहे फायनलचा सामना इथे कंप्लीट झालाय. चला या तालुका न्यायमधून येणारा संघ अर्थात वैष्णवी कोलाड तात्याजी मालुसरे यांचा संघ एका बाजूला पाहायला मिळेल तर एका बाजूला असेल सेमीफायनल नंबर 1-1 अर्थात श्रीदत्त नावे टीम अर्थात या पण दोन्ही टीमचे कॅप्टनचं लक्ष वेधूयात. त्याआधी या आपण प्राइस सेरेमनीकडे वळूयात. या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार ऍब्सोल्युटली नो डाऊट 5 बॉल 28 धावा सिद्धांत मोरे धाटावशी आन बान शान ज्याला आपण आमंत्रित करूयात हा पुरस्कार देण्यात येईल आणि त्याच्याशी जुडूयात देखील आपण. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कारही देऊयात आपण. ही ट्रॉफी दिली जाईल आकर्षक करंडक ज्यासाठी हा अट्टहास करण्यात आला होता अर्थात प्रेक्षणीय लढत आणि त्यामधून पुन्हा एकदा निर्विवाद